नमस्कार दोस्तों, अप टू नाउ के हेल्थ टिप में आज आपको एक ऐसे वायरस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से केरल के कोझिकोड में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के अलावा इस वायरस की वजह से मौत का आंकड़ा 15 के पार पहुंच गया है। तो ये वायरस कहां से ओरिजिनेट हुआ है, इसका नाम निपा कैसे पड़ा, ये किस तरह से फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसका इलाज क्या है और किस तरह से इससे बच सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखते रहिए वीडियो को अंत तक। सबसे पहले इस वायरस की जानकारी करीब 20 साल पहले 1998 में मलेशिया के कॉम्पुंग सुंगई निपा में मिली थी। बाद में इस जगह के नाम पे ही इस वायरस को वहाँ के डॉक्टरों ने नाम निपा दे दिया, जिसको मेडिकल टर्म में NIV कहा जाता है। खास बात यह है कि मलेशिया में सूअरों में भी ये वायरस पाया गया था। 2004 में बांग्लादेश में भी इसके मरीज पाए गए थे। तब ये पता लगा था कि ताड़ी पीने की वजह से ये बीमारी फैल रही है। बाद में पता लगा कि इंसान से इंसान में भी ये वायरस पहुंचता है। हालांकि ये पहला मौका है जब भारत में इसके केस सामने आए हो। भारत में कैसे हुई पुष्टि? केरल में इस वायरस के फैलने का शक होने पे कुछ मरीजों के ब्लड सैंपल को नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे भेजे गए। वहां से पता लगा कि ये निपा वायरस ही है। केरल सरकार ने केंद्र सरकार से गुजारिश करने पे 3 एक्सपर्ट्स की टीम केरल भी पहुंच गई है। माना जा रहा है कि केरल में ताड़ी या जमीन पे गिरे फल खाने से ही ये बीमारी इंसानों तक पहुंची होगी। तो कैसे फैलता है निपा वायरस? तो निपा वायरस चमगादड़ों से फैलता है। अगर चमगादड़ संक्रमित हो और वो फल को खाए तो उस फल को, अगर गिरे हुए फल को सुअर खाता है और उस सुअर के अगर कांटेक्ट में अगर पर्सन आता है तो उससे इंसान में ये वायरस आ जाता है। उसके अलावा अगर जो संक्रमित चमगादड़ है वो अगर घोड़े के संपर्क में आता है तो उससे घोड़े के अंदर संक्रमण आ जाएगा, और अगर उस घोड़े के कांटेक्ट में अगर इंसान आता है तो वो संक्रमण इंसान तक पहुंच सकता है। उसके अलावा अगर चमगादड़, संक्रमित चमगादड़ द्वारा खाए गए डेट्स या फ्रूट्स जमीन पे गिरते हैं, अगर उसको इंसान खा जाता है तो वो संक्रमण इंसान के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद ये इंसान से इंसान में भी फैलता है। तो इसके लक्षण क्या है? इस वायरस से संक्रमित होने पे सांस लेने में गंभीर दिक्कत होती है। इसके अलावा दिमाग या सिर में तेज जलन और दर्द होता है। इसको आप दिमागी बुखार भी बोल सकते हो। तो क्या है इस वायरस का इलाज? फिलहाल इस वायरस से निपटने के लिए किसी तरह की वैक्सीन नहीं है। संबंधित दवाओं से ही इसका इलाज किया जा रहा है। इससे कैसे बच सकते हैं? सूअरों या चमगादड़ों से दूर रहे, ताड़ी जैसे नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें, जमीन पे गिरे हुए फल ना खाए, और जो भी खाना है उसको पका के खाए, कच्चे फ्रूट्स कुछ टाइम के लिए खाना छोड़ दें, संक्रमित इंसान से संपर्क आने से बचे, NH95 या उसके बराबर का मास्क मुंह पे लगा के ही खुले में बाहर मार्केट में निकले, और सांस लेने में दिक्कत या सिर में जलन या तेज दर्द होने पे अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड, बच के रहे, स्वस्थ रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।